हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है आचार्य सीरीज में। मैं हूं श्री चैतन्य चंद्र दास। ये वीडियो आखिर तक देखिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे वीडियो मिलेंगे। तो एक बार आत्मतत्व प्रभु जो श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य है वो ये कहानी बताते हैं श्रील प्रभुपाद के बारे में। तो एक बार आत्मतत्व प्रभु उनके बुलक कार्ड पार्टी में जा रहे थे, तो लोकनाथ स्वामी महाराज ने आत्मतत्व प्रभु को भक्ति में लाया था। तो लोकनाथ महाराज के साथ आत्मतत्व प्रभु भी जाते थे बैलगाड़ी के पार्टी, बैलगाड़ी पार्टी था उनका बुलक कार्ड पार्टी। और ऐसे गौर नित्याय को लेके जाते थे बैलगाड़ी के ऊपर और हरिनाम करते थे रस्ते के ऊपर और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, ब्रिटिश मैगजीन डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो ऐसा इनका बुलक कार्ड पार्टी हर गाँव गाँव में शहर शहर में जाता था और हरिनाम करता था, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता था। तो ऐसे आत्मतत्व प्रभु हर जगह पे जाते थे, कई सारे जगहों पे वो गए थे। तो एक बार वो ऋषिकेश गए थे, उनका ये सारा पार्टी टीम गया था, पूरा बुलक कार्ड का पार्टी, बुलक कार्ड पार्टी, बैलगाड़ी का पार्टी। तो ऐसे हरिनाम संकीर्तन करते करते वो ऋषिकेश पहुंच गए, जहां से हमें पता है कि हिमालय शुरू होता है और उधर काफी सारे साधु संत जो योगी बड़े बड़े ज्ञानी वहां पे तपस्या करते हैं। तो जब वो वहां से जा रहे थे उनका बैलगाड़ी का पार्टी हरिनाम करते हुए, तो आत्मतत्व प्रभु एक बार ऐसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते करते ब्रिटिश मैगजीन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो उनको एक योगी मिले वहां पे जो तपस्या कर रहे थे एक गुफा में। तो तपस्या कर रहे थे, बड़े योगी थे, बड़े तेजस्वी थे, उनके पास सिद्धियां थी। तो जब उनके पास गए और उनसे बात कर रहे थे, तो वो योगी था वो बोल रहे थे कि मुझे समुद्री का शास्त्र इसका ज्ञान है। तो आत्मतत्व प्रभु ने पूछा, ये समुद्र का शास्त्र क्या होता है? तो बोले, समुद्री का शास्त्र यानी इससे जस्ट आप किसी व्यक्ति को देखें उसके अंदर क्या क्या खूबियां है, क्या क्या डेफिशिएंसीज है, क्या क्या गलतियां है, यानी वो व्यक्ति कौन था कौन है उसके बारे में पूरा हिस्ट्री आपको पता चल जाता है अगर आपको ये समुद्री का शास्त्र का ज्ञान हो। तो ऐसे योगी थे या ये साधु थे जिनसे आत्मतत्व प्रभु मिले, उनको ये ज्ञान था समुद्री का शास्त्र का। किसी को चेहरा देख के, उसका हाव भाव देख के उसके बारे में पूरी जानकारी इनको पता चल जाती। तो फिर जब आत्मतत्व प्रभु गए उनके पास, तो उन्होंने श्रील प्रभुपाद का फोटो दिखाया उनको जो ब्रिटिश मैगजीन के ऊपर था। तो बोले, इनके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? तो उन्होंने देखा श्रील प्रभुपाद का चेहरा, फोटो देखा और कुछ ऐसे धागे से उनका मेजरमेंट लेने लगे, उनके चेहरे का, उनके बॉडी का, और ऐसे मेजरमेंट लेने लगे। और थोड़ी देर के बाद वो आश्चर्यचकित हो गए और बोले आत्मतत्व प्रभु को कि आपको पता है ये कौन है? तो आत्मतत्व प्रभु बोले, हाँ ये हमारे गुरु है एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। बोले, आपको पता नहीं ये व्यक्ति कौन है? ये जो व्यक्ति है, जो चार संप्रदाय है, जो भगवान से आए जो चार संप्रदाय, एक तो पहला है रुद्र संप्रदाय, दूसरा है श्री संप्रदाय, तीसरा है कुमार संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय, ऐसे चार संप्रदाय है। इनके जो आचार्य है, जैसे विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय के, कुमार संप्रदाय के निम्बार्काचार्य है, ब्रह्म संप्रदाय के मध्वाचार्य और श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य। तो ऐसे जो चार आचार्य है चार संप्रदाय के, वो एक साथ उनका जो अवतार है वो है आपके स्वामी एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। जो चारों संप्रदाय के चार आचार्य है उनके एक साथ जो आया है, जिनके पास एक साथ शक्ति है वो चारों आचार्य की, वो है आपके स्वामी जी एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। ये आपको पता नहीं है और इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा प्रचार किया, पूरे जगत में इतनी क्रांति लाई, क्योंकि वो चारों संप्रदाय के जो आचार्य है वो एक साथ आए, एक साथ, वो है आपके एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। और वो शक्त्यावेश अवतार है, साक्षात भगवान ने उनको भेजा है, नित्य पार्षद है भगवान के, इसीलिए उन्होंने इतना कुछ वो कर पाए इतने पूरे जगत में जाके, ऐसे पहले किसी ने नहीं किया था। तो ऐसे ये समुद्री का शास्त्र इसको पता था, उन्होंने बोला कि श्रील प्रभुपाद एक्चुअल में कौन है। तो ये जब देखा आत्मतत्व प्रभु ने, तो उनको पता चला कि एक्चुअली हम जिनको गुरु मानते हैं, श्रील प्रभुपाद मानते हैं, उनके साथ रहते हैं, वो हमारे साथ बातचीत करते हैं, वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो डायरेक्ट वैकुंठ से आए, डायरेक्ट गोलोक से आए, भगवान के पार्षद है और वो सारे चारों संप्रदाय है, वो आचार्यों के कंबाइंड इनकार्नेशन है हमारे श्रील प्रभुपाद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद।